The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Forget it. So, आपको ये तो पता है कि हार्ट की बीमारियां होती कैसे हैं, राइट? हार्ट की बीमारी नंबर वन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है. तो क्या इस हार्ट की बीमारी में आपके दिमागी हालत का, आपके मेंटल स्टेटस का भी कुछ हाथ है? जी हाँ, बहुत बड़ा हाथ है. और लिटरली ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जो आपके मेंटल हेल्थ, आपके हार्ट की बीमारी होने का. आप बोलेंगे ये क्या मतलब सिर्फ पागल लोगों को होती है? नहीं, ऐसा पागल और मेंटल हेल्थ का लेना देना नहीं है. इसमें लेना देना है आपके, जैसे हार्ट के अंदर दो चीज़ें पहले समझिए. हार्ट की कंडीशंस क्या क्या है? हार्ट अटैक, एंजाइना. अटैक होता है जब खून का नस पूरा बंद हो जाए. एंजाइना होता है जब खून में कम खून जाए, जितना खून जाना चाहिए उससे कम जाए. और ये बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. और ये होती है, और इसी के तरीके दूसरे तरीके की चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर जो है, एंजाइटी और डिप्रेशन और एंगर, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन. अब इन तीनों चीज़ों का हार्ट पे कैसा इफेक्ट है सोच के देखिए. डिप्रेशन एक रिस्क बढ़ा देता है, कंसिडरेबल फैक्टर है, स्मोकिंग के साथ. सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आप पीते हैं, जो लोग भी पीते हैं, उन लोगों को ऑब्वियसली हार्ट में, लंग्स में, फेफड़ों में, खून की नसों में सकतपना आ जाता है, हार्डनेस आ जाती है, एंड दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स प्रॉपरली, एंड दैट्स वाई दे हैव अ बिग रिस्क. साथ ही जो लोग डिप्रेस होते हैं उन लोगों के इस तरीके के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के नशे करने लगेंगे, नशों में पड़ जाएंगे. और इसी के साथ में उनका रिस्क बढ़ जाता है खाना नहीं खाने का, हाइपोग्लाइसीमिक हो जाने का, या बहुत ज़्यादा मीठा खाने का, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का, घपा घप आइसक्रीम खाना, राइट, जो हम उसको क्रेव ईटिंग, जो इमोशनल ईटिंग जिसको कहते हैं, वो हो जाने का, राइट. सो ऑलराइट, ओके, सो वी आर राइट, होपफुली अभी सही आएगा. ओके, ठीक. सो डिप्रेशन अपने आप में एक बड़ा रीज़न है. इसी के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आ जाते हैं डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड, और हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल. नाउ डिप्रेशन अपने आप में जो लोग हार्ट की अटैक हो जाती है उसके बाद भी बीमारी में भी अफेक्ट करेगा. अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपका रिकवरी बेटर नहीं होगा, रिकवरी में प्रॉब्लम करेगा, फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट फेलियर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो अपने आप में मेंटल हेल्थ का छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कनेक्शन है. फिर गुस्से की बात करें, एंजाइटी की बात करें, एंजाइटी में क्या होगा? एंजाइटी में सबसे सिंपल चीज़ होती है, आपकी धड़धड़ बढ़ जाती है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके पाल्पिटेशन होना शुरू. कई बच्चे आते हैं पाल्पिटेशन के साथ, कई बच्चे, कई बड़े, कई बूढ़े, यंग बच्चे 20 साल, 25 साल, 19 साल पाल्पिटेशन कंप्लेंट के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं इसको लगता है दिल धड़क रहा है, तेज धड़क रहा है. अभी दिल तो तेज धड़कना ही चाहिए, लिटरली एक पेशेंट अभी देख के आया हूँ मैं. सो पाल्पिटेशन, हाई हार्ट बीट एंजाइटी से होता है. थोड़ी देर के लिए हाई हार्ट बीट होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली लगातार गप्पा घप हाई हार्ट बीट कैन पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर हार्ट. और खासकर अगर ऐसा हार्ट जिसमें ब्लॉकेज हो, जो पर्सन स्मोकिंग करता हो, दारू पीता हो, राइट, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, सो उस पर्सन को एंजाइटी, उस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया इज नॉट गुड, हाई हार्ट रेट नॉट गुड. सो एंजाइटी अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है. जितना चिंता करोगे उतना करेगा, नींद अच्छी नहीं आएगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा, जिनकी एंजाइटी होगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन रहेगा, राइट. फिर फिर उसके बाद नेक्स्ट एंगर. एंगर से क्या होगा? जब आपको गुस्सा आता है, जब भी किसी को गुस्सा आता है तो क्या होता है? When you are angry, obviously your blood pressure rises, obviously your heart rate rises, obviously your cortisol, adrenaline, noradrenaline बढ़ जाता है. So गुस्से में भी आप लोगों के heart पे stress आएगा. So ये simple simple सी चीज़ें हैं. सबसे बड़ा factor इसमें है depression, anxiety, anger.
सो ये तीनों हार्ट की चीज़ों को इवन प्रूफ किया हुआ है बाय रिसर्च, रिसर्च प्रूफ है कि ये हार्ट पे अच्छा खासा अफेक्ट करती हैं। एंजाइटी एक हार्ट का रिस्क फैक्टर है, डिप्रेशन एक हार्ट का रिस्क फैक्टर है, राइट। अब हार्ट डिजीज से क्या एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं? जी हाँ हो सकते हैं। अपने आप में हार्ट अटैक आना एक बड़ी चीज़ है, लोगों के अस्तित्व हिल जाते हैं, लोगों का दिमाग हिल जाता है, लोग कहते हैं कि यार मेरे को कैसे हार्ट अटैक आएगा, मुझे तो लगता था मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी। चाहे वो कितने भी, चाहे कई लोग होते हैं जो कभी कुछ नहीं किया, कभी दारू नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ, कंजनाइटल फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, चीज़ों में मिलावट है, बेंजीन है, बेंजीन वाला वीडियो देखो हमारा जाके यूट्यूब पे, कितने बेंजीन, कितना बेंजीन आ रहा है दुनिया में, राइट। स्मोक आ रही है, गैस बर्न कर रहे हैं, घर में बेंजीन बन रहा है, स्मोक्ड फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है दुनिया में, बहुत ज़्यादा इशू है, राइट। और हम सोचते हैं कि भाई सिर्फ सिगरेट, उसके ऊपर से सिगरेट, उसके ऊपर से बीड़ी, उसके ऊपर तंबाकू, सो मेनी थिंग्स। सो हार्ट अटैक हो गया, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मुझे कैसे हो गया, लोगों को लगता है कि यार व्हाट, दूसरे लोग ख्याल ज़्यादा रखने लग जाते, ये मत करो, वो मत करो, ऑफिस मत जाओ, नहीं मुझे काम करना है, फ़ोन मत बात करो, अरे मेरा नुकसान हो रहा है, छोड़ो नुकसान, लोगों को लगता है यार क्या करूँ मैं, और टेंशन टेंशन में बैठे रहते हैं। सो हमारे पेशेंट्स के साथ तो हम पेशेंट्स को बताना पड़ता है अभी काम पे नहीं जाना, नहीं सर मेरा नुकसान हो जाएगा, हम बोलते हैं अटैक आए, बोले आए तो आए, जान जाए तो जाए, अरे ऐसा थोड़ी होता है। सो कई लोगों तो नहीं नहीं मैं तो 2 महीने काम नहीं करूँगा, वो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, नहीं सर आप बोलो मैं तो छुट्टी पे चले जाऊँगा मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूँगा। सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल, हर एक मैं अलग रिस्पॉन्स। तो हार्ट अटैक से किसी का मेंटल प्रॉब्लम एलिसाइट हो सकता है, रिमेंबर ऑल दिस, एम्बेरसमेंट हो सकती है, कॉन्फिडेंस शटर डाउन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इट्स वेरी वेरी कॉमन, गिल्टी फील हो सकता है, आपको लग सकता है भाई मेरी गलती, अब मेरे घर वालों पे इतना बर्डन, किसी के लाखों रुपए खर्चे हो गए। जी हाँ, हार्ट अटैक में आज भी लाखों रुपए खर्चे होते हैं, क्या करें, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, राइट। हमें डॉक्टरों को कुछ नहीं मिलता भैया, पहले बता दे, डॉक्टरों को कुछ नहीं मिलता, हॉस्पिटल को मिलता सब, ठीक है। हाँ, हॉस्पिटल डॉक्टर के नहीं है जमाना ख़त्म हो गया दुनिया में। एनीवेज, सो डिप्रेशन है तो आपको कैसे पता चलेगा हार्ट की, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे डिप्रेशन है, मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए? सो बहुत सिंपल सा फंडा है डिप्रेशन के लिए, आप सिंपल सिंपल चीज़ें, आसानी से इरिटेट हो जाना, सैड फील करना, एम्प्टीनेस फील करना, होपलेस फील करना, बहुत कमज़ोरी फील करना, फटीग्ड फील करना, लगना कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मार्क्स नहीं आ पा रहे, या फिर लगना कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, वज़न एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाना या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब एक तरीके से इंडिकेशन है दैट देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर माइंड, देर इज माइट बी सम डिप्रेशन। कई कभी बॉडी पेन होते हैं, कभी कभी हर रोज़ की ज़िंदगी में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, स्ट्रेस हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को इतना काम नहीं होगा, राइट, घर के काम, बच्चों के काम, बड़ों के काम, हॉस्पिटल ऑफिस के काम नहीं हो पाते, सो दैट्स डिप्रेशन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलो, टेस्ट करवाओ, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं, भैया यू आर नॉट मैड, ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल काउंसलिंग, है कि नहीं। जैसे बच्चे को समझाया जाता है, जब बच्चा गुस्सा होता है, मेरे को नहीं घर टेंट्रम करता है, तो उसको पागलखाने भर्ती नहीं करते, उसको बैठ के समझाया जाता है कि नहीं। वैसे ही आपको बैठ के समझाना पड़ेगा, यू आर नॉट मैड, राइट। बैठ के समझाने वाला काम कोई दोस्त, कोई बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन या एक साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट कर सकता है। फिर एंजाइटी हो तो क्या होगा, एंजाइटी में सिम्टम क्या है, एंजाइटी में आपकी वरीड फील करोगे, बहुत ज़्यादा एंग्शियस, क्या हो रहा है, और मुश्किल फील करोगे काम डाउन करना, कोई ना कोई चीज़ तो दुनिया में आती रहती है जिसकी वजह से आप वरी हो, कोई ना कोई स्ट्रेस आता रहता है, राइट, लेकिन हम अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं। आपको मुश्किल होगा अगर आपको एंजाइटी है, आपकी हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, इंटेंस फियर या पैनिक फील कर सकते हो, फिजिकल ट्रेम्बलिंग, हाथ पैर कांप सकते हैं, पसीना आ सकता है, रैपिड हार्ट बीट हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, ये सब एंजाइटी में होगा, राइट। सो ये सब चीज़ है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो भी डॉक्टर के पास जाना है। सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ऐसे चीज़ों के बहुत इफ़ेक्ट है हार्ट के ऊपर, और इसका हार्ट के टेस्ट करने बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नॉर्मल है, आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपको कोई रिस्क फैक्टर है, तब तो करना ही है। चाहे आप नॉर्मल भी है तो भी 40 साल के ऊपर जाके अपना ECG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT साल या 2 साल में एक बार ज़रूर कराओ। क्या लगेगा, पैसे लगेगा थोड़े से, करा लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा लो, हैं, पर कराओ, ठीक है। ECG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT,
ठीक है, ये तीन टेस्ट। अगर आप नॉर्मल नहीं है, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई रिस्क फैक्टर है, तो साल में कराओ और डॉक्टर से कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके कराओ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस हार्ट एंड जो आपका ये है। कोई अगर सवाल है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है।